पूरी दुनिया में प्रचार किया गया कि चीन तवांग में घुसा और भारत को पता भी नहीं चला। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि चीन ने भारतीय जवानों की पिटाई की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। संसद में जयशंकर चीन पर खुलकर बोले। जयशंकर ने कहा कि अगर भारत सरकार उदासीन होती तो चीन बॉर्डर पर सेना को नहीं भेजती। लेकिन इन सभी के बीच अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जो हिंदी चीनी भाई भाई गैंग के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। दरअसल ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट नाम के एक संस्थान ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस उन लोगों की नींद उड़ा देंगी जो ये बोल रहे हैं कि भारत क्या सो रहा था। इन सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि भारत एलएसी की ऊंचाई पर चीन पर हावी है। भारत एलएसी पर चीन को डोमिनेट कर रहा है और चीन से ज्यादा अच्छी पोजीशन पर बैठा है। ये सभी बातें सैटेलाइट इमेजेस को देखकर साफ तौर पर पता चल रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चला है कि भारत ने जबरदस्त तरीके से एलएसी पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। तस्वीरों से यह भी सामने आया है कि भारत ने एलएसी के पास सड़कों का जाल बिछा दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर हथियारों और जवानों की तैनाती की जा सके। आपको बता दें कि एलएसी के पास तवांग इलाके पर भारत की मजबूत पकड़ है। तवांग इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से भी तवांग भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। तवांग वही इलाका है जहां चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश करता है। 1962 की जंग के बाद से ही तवांग पर चीन की बुरी नजरें हैं। 1962 की जंग में ही चीन ने तवांग को हासिल करने की पूरी कोशिशें की। तवांग वही जगह है जहां से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले भारत पहुंचे थे। भारत लगातार इस पूरे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास सड़कों का जाल बिछाने के लिए मोदी सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। भारत अरुणाचल प्रदेश में एक फ्रंटियर हाईवे बना रही है। इस योजना के तहत 1748 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मागो से शुरू होकर म्यांमार की सीमा के पास विजयनगर में खत्म होगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद युद्ध जैसे हालातों में सेना, टैंक, भारी हथियार और आधुनिक उपकरणों को मिनटों में चीनी सीमा पर पहुंचाया जा सकता है। सेना की तैनाती से संबंधित समस्याओं का समाधान भी तुरंत हो जाएगा।